हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदावन के एक और नए व्लॉग में। आज हम आए हुए हैं प्रेम मंदिर ठाकुर जी के दर्शन करने। आपको भी कराएंगे, बट पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, क्योंकि बाहर के ही नहीं मंदिर के अंदर के भी दर्शन करने को मिलेंगे। ये पूरा मंदिर सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर जो रोशनी की बारिश हो रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये मंदिर अंदर से दो फ्लोर का बना हुआ है, तो दोनों फ्लोर पे दर्शन करने को मिलेंगे आपको। मंदिर के बाहर चारों तरफ श्री राधा कृष्ण की अलग अलग छवि विराजमान है। कहीं पे भगवान राधा रानी के संग में रास कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो कहीं पे गऊओं को चारा डाल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर छवियां विराजमान है मंदिर के बाहर भी। देखिए, यहाँ पे भगवान को दिखाया गया है गौ चराते हुए, भगवान गौओं की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो भगवान के दर्शन कभी भी कर लो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन रात में अगर यहाँ आओगे तो अलग ही आनंद पाओगे। मतलब दिन में दर्शन कर लो अच्छी बात है, लेकिन रात में जो दर्शन होते हैं वो बात ही अलग है। इतनी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है मंदिर को, इतनी अच्छी लाइटिंग लगाई गई है, मतलब अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे हमारे राधा रानी रास कर रहे हैं। हमारे गोवर्धन, जय हो गोवर्धन भगवान की। ये भगवान ने अपनी एक अंगुल पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, उनकी छवि विराजमान है। यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है दोस्तों, चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान की सुंदर मन मोहने वाली छवियों के दर्शन करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।
सुंदर दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा, मन मोह लिया मेरे मन ने। और ये हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, भगवान के आराम करने का समय हो गया है, मंदिर की लाइट बंद कर दी गई है। ये बाहर भगवान की कुछ और छवि हैं, इनके भी दर्शन करिए। और राधे राधे लगती है, बहुत बढ़िया दर्शन हुए आज, आज के आनंद की जय हो। श्री राधा कृष्ण की जय हो। तो दोस्तों, भगवान के दर्शन करने के लिए एक लाइक तो बनता है। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। थैंक यू।